नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट नाइन न्यूज में। मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है बॉलीवुड रियलिटी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम का नाम बॉलीवुड रियलिटी है, तो इससे ये साफ हो जाता है कि आज मैं आप सभी को एक खास खबर बताने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आप भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाएंगे। बॉलीवुड की एक ऐसी रियलिटी के बारे में आप सभी से मैं रूबरू करवाऊंगी जिसे सुनने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाएंगे। जी हाँ, और आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे बॉलीवुड की कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस के बारे में जिन्होंने एक्टर के साथ ऑन स्क्रीन पहले अपनी बहन का किरदार निभाया और उसके बाद प्रेमिका का किरदार निभाया। जी हाँ, ये सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने एक्टर्स के साथ पहले तो भाई का किरदार निभाया और उसके बाद में एक प्रेमिका का यानी कि लवर का किरदार निभाकर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। और आज हम आपको ऐसी ही कुछ दिलचस्प बातों से रूबरू करवाने वाले हैं। अब वो एक्ट्रेसेस कौन कौन सी हैं ये जानने के लिए मैं जानती हूँ आप भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो ही रहे होंगे, तो फिर देरी किस बात की। चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते हैं नज़र आज के हमारे इस खास रिपोर्ट पर और देखते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन सी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने भाई का किरदार यानी कि एक्टर्स के साथ अपनी बहन का किरदार निभाया, उन्हें भाई बनाया और उसके बाद में उन्हीं के साथ प्रेमिका का किरदार निभाती हुई नजर आई थी। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जैसे कि आप सभी जानते हैं रक्षाबंधन का खास त्योहार है और इस खास त्योहार पे आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ बॉलीवुड की वो एक्ट्रेसेस जिन्होंने एक्टर्स के साथ पहले भाई का किरदार निभाया और फिर उसके बाद में उनके प्रेमिका का किरदार निभाया। जी हाँ, पहले बने भाई बहन और उसके बाद बन गए एक दूसरे के प्रेमी। हालांकि रियल लाइफ में नहीं बल्कि सिर्फ स्क्रीन पर ही ये लोग पहले भाई बहन बने, उसके बाद प्रेमी बने। और आज अपने इस खास प्रोग्राम में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, किस किस का ऐसा कपल है जो पहले भाई बहन बने फिर उसके बाद में एक दूसरे के प्रेमी बन गए। कोई भी एक्टर अपने करियर के दौरान अलग अलग तरह के किरदार निभाता हुआ नजर आता है। कभी भी वो किसी के प्रेमी या प्रेमिका बनता है तो कभी वो उसी एक्टर एक्ट्रेसेस के माता पिता। और भाई रक्षाबंधन के खास मौके पर हम आपको ऐसे ही कुछ एक्टर के बारे में बताने वाले हैं जो स्क्रीन पर भाई बहन और प्रेमी प्रेमिका दोनों के किरदार में नजर आ चुके हैं। जी हाँ, इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के बारे में। जी हाँ, दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की डिंपल गर्ल और मस्तानी कहलाई जाती हैं, लेकिन आपको बता दे दीपिका पादुकोण फिल्म रेस 2 में जॉन अब्राहम की बहन की भूमिका में नजर आई थी, तो वहीं फिल्म देसी बॉयज में दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हुए नजर आए थे। हालांकि दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन पहले ये दोनों भाई बहन के किरदार में नजर आए और फिर उसके बाद प्रेमी के किरदार में नजर आए तो भाई फैंस भी काफी ज्यादा चौंक गए थे। हालांकि ये करियर है ही ऐसा, बॉलीवुड में एक्टिंग करने के लिए आपको जैसा भी किरदार मिलता है वो आपको निभाना तो भाई पड़ता ही है। वहीं अब आगे हम बात करेंगे बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान और बॉलीवुड की सबसे सुंदर एक्ट्रेस यानी कि ऐश्वर्या राय के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को याद ही होगा 2000 में आई मंसूर खान की फिल्म जोश में दोनों एक दूसरे के भाई बहन के किरदार में नजर आए थे। वहीं देवदास मोहब्बत और ए दिले मुश्किल में कपल के रूप में ये दोनों नजर आए थे। जी हाँ, पहले भाई बहन फिर उसके बाद ये दोनों कपल के रूप में नजर आए और रोमांस करते हुए भी नजर आए थे। भाई ये सुनने में तो काफी अटपटा लगता है कि पहले भाई बहन और फिर उसके बाद में एक प्रेमी प्रेमिका के रूप में नजर आए, लेकिन भाई ये बॉलीवुड है और बॉलीवुड में तो कुछ भी होता है, आपको कैसे भी किरदार मिले आपको निभाने तो भाई पड़ते ही हैं। वहीं आगे हम बात करेंगे जूही चावला और बॉलीवुड के खिलाड़ियों के खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार के बारे में। जी हाँ, जूही चावला और अक्षय कुमार भी पर्दे पर दोनों तरह के किरदार में नजर आ चुके हैं। फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी में एक दूसरे संग रोमांस करते दिखे, जबकि फिल्म एक रिश्ता में जूही चावला और अक्षय कुमार भाई बहन के रूप में नजर आए थे। जी हाँ, आपको बता दें वैसे अक्षय कुमार की फिल्मों का तो फैंस काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब भले ही जूही चावला बॉलीवुड में कम दिखाई देती हो, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब इन दोनों की जोड़ी को फैंस खूब पसंद करते हुए नजर आते थे।
वहीं आगे इस लिस्ट में हम बात करेंगे बॉलीवुड के बाजीराव यानी कि रणवीर सिंह के बारे में, और वहीं इन दिनों अपनी सगाई को लेकर चर्चा में रही प्रियंका चोपड़ा के बारे में। जी हां, प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों ही जगह अपना अच्छा खासा नाम कमा चुकी हैं। वहीं रणवीर सिंह और एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की जोड़ी पर्दे पर खूब जचती हुई भी नजर आती है। फिल्म गुंडे में दोनों एक दूसरे संग रोमांस करते दिखाई दिए थे। वहीं फिल्म दिल धड़कने दो में भाई बहन के रूप में नजर आए थे। वेल, अगर बात की जाए प्रियंका चोपड़ा की, तो भाई आपको बता दे प्रियंका चोपड़ा का फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उन्हें बॉलीवुड में देखने के लिए। पिछले कई वक्त से प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में दिखाई नहीं दी हैं, तो भाई फैंस प्रियंका चोपड़ा को काफी ज्यादा मिस करते हुए नजर आते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा की एक बार फिर से जोड़ी दिखाई देती है बड़े पर्दे पर या फिर नहीं। और आखिर में हम बात करेंगे बॉलीवुड की बेबो यानी की करीना कपूर खान की और तुषार कपूर की। जी हाँ, करीना कपूर और तुषार कपूर ने अपने करियर एक ही वक्त पर शुरू किया था। उनकी शुरुआती फिल्मों में मुझे कुछ कहना है और जीना सिर्फ मेरे लिए, जिसमें दोनों कपल के रूप में नजर आए थे, जबकि फिल्म गोलमाल में दोनों ने भाई बहन का किरदार निभाया था। वेल, आपको बता दें रक्षाबंधन है, तो इसी खास मौके पर हमने आपको यही बताया कि वो एक्ट्रेसेस और वो एक्टर जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर यानी कि बड़े पर्दे पर पहले भाई बहन का किरदार निभाया और साथ ही साथ वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका का किरदार भी निभाते हुए नजर आए थे। वेल, बॉलीवुड है, जैसा किरदार मिलता है वैसे आपको निभाना ही पड़ता है, तभी आपको धीरे धीरे सफलता मिलती है। और ये वो एक्टर्स हैं जो इन दिनों बॉलीवुड में छाए हुए हैं, बॉलीवुड में कई हिट फिल्में दे चुके हैं और इन लोगों की जोड़ी को फैंस भी खूब पसंद करते हुए नजर आते हैं। किस तरीके से ये एक्ट्रेसेस पहले तो बहन बनी, उसके बाद में इन्होंने प्रेमिका का किरदार निभाया। वैसे आपको बता दें एक्टिंग फील्ड है ही ऐसी, इसमें कई चुनौतियां आती हैं, कई सारे चैलेंजेस आते हैं जो हमको करने ही पड़ते हैं। दरअसल आपको बता दें ये एक्ट्रेसेस काफी मशहूर रही हैं अपने किरदारों के साथ भी, और जिस तरीके से इनको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वो वाकई काबिले तारीफ है। दरअसल आपको बता दें ये एक्ट्रेसेस एक टाइम पर काफी ज्यादा मशहूर थी, भले ही आज इनमें से कुछ एक्ट्रेसेस बॉक्स ऑफिस पर बहुत कम दिखाई देती हो, लेकिन आज भी इनके चर्चे दूर दूर तक हैं, इनके किरदार के चर्चे दूर दूर तक हैं। और आज हम स्पेशली आप सभी के लिए खास प्रोग्राम लेकर आए थे और इसी खास प्रोग्राम से हमने आपको बताया कि बॉलीवुड में ऐसी कौन कौन सी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने पहले बहन बनी, उसके बाद में उन्होंने उन्हीं के साथ लवर का किरदार निभाकर सबको चौंका दिया। लेकिन दोस्तों फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का और इस प्रोग्राम का यहीं पर दी एंड करने का। लेकिन भैया आप निराश ना होइए, एक बार फिर लौटूंगी आप सभी के बीच इसी प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप देखना ना भूले नेक्स्ट नाइन न्यूज, और बॉलीवुड की और भी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज को। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।